हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स आपने एक बात सुना होगा कि जब भी कोई गोल अचीव करना होता है तो हमें शाम दाम धंड भेद सब लगाना पड़ता है तो अब आप एक नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं इस वीडियो में आपको एग्जामिनर के भेद खोलते हुए तुक्का मारना सिखाऊंगा देखो वैसे तो तुक्का मारना गलत माना जाता है कि तुक्का नहीं मारना चाहिए लेकिन फिर भी मैं क्यों सिखा रहा हूँ इसके दो रीज़न है फर्स्ट रीजन ये है कि नीट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है यदि आप वन मार्क्स भी इंप्रूव करते हो तो आपकी रैंक थाउजेंड रैंक इंप्रूव हो जाती है जैसे मान लीजिए आपका स्कोर सिक्स है और सॉरी और आपने स्कोर कर दिया 626, तो आपकी रैंक यदि थर्टीन थाउजेंड होगी तो सिक्स ट्वेंटी सिक्स रैंक हो जाएगा दूसरा टू मार्क्स इंप्रूव कर लिया तो रैंक टू से इंप्रूव हो जाती है तो देखो एक तुक्का यदि आपका सही लग गया तो आपको कितने मार्क्स से इंप्रूव हो जाएगा फाइव मार्क्स आपकी रैंक कितना जब कर जाएगी 5000 से वैसा ही यदि एक तुक्का गलत लग गया तो माइनस वन उससे कितना पीछे चला जाएगा? होना चाहिए अब मैं इसलिए आपको ये बताने वाला। में तुक्का ऐसे मारोगे तो आंसर हंड्रेड परसेंट सही होगा दूसरा रीजन क्या है कि देखो आप हो मैं हूं या कोई भी है जब एग्जाम देते हैं तो तुक्का मारने का लालच आ ही जाता है और हर कोई एग्जाम में तुक्का मार के आता ही आता चाहे वो दो में मारे या पांच क्वेश्चन में मारे अब सही से मारना आना चाहिए और बेस्ट मेथड से मारना आना चाहिए वो इसलिए मैं ये अपने स्टूडेंट लाइफ में एस एस सी थ्री टाइम क्रैक कर चुका हूं मतलब मोर देन वन लैक क्वेश्चन मैंने फेस किए हैं और जब टीचिंग करते थे तो हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझते हुए सेट करते थे तो हमें पता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कैसे करता और कैसे उनको eliminate करके हम लोग answer तक पहुंच सकते हैं यदि हमें कुछ समझ भी नहीं आता तो इसलिए वही सब method में इसमें discuss करने वाला ऑप्शन एनालिसिस ऑफ नीट ट्वेंटी 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 है और ट्वेंटी है थर्ड है तुक्का कब नहीं मारना चाहिए? और फोर्थ है तुक्का मारने का बेस्ट मेथड अब आप बोलोगे सर ये ओएमआर साइकोलॉजी और ऑप्शन एनालिसिस क्या आ गया जब तक आप ये नहीं समझोगे तो आपका तुक्का भी सही से लगेगा नहीं इसलिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है हमें पता तो हो तुक्का मारना भी है या नहीं बेस्ट मेथड तो तभी पता चलेगा ना जब यही नहीं पता तुक्का कैसे मारना है कब मारना है तो कैसे फिर आप बेस्ट मेथड तक पहुंच जाओगे तो आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से ओ की साइकोलॉजी देखो एग्जामिनर एग्जाम में ही नहीं ओ एम आर में भी वो साइकोलॉजी यूज करता है इसके लिए मैंने है ना ट्वेंटी नाइनटीन के ट्वेंटी ट्वेंटी के सिक्स सिक्स ओ एम आर फिलअप करवाए ताकि देखा जाए साइकोलॉजी क्या है आप सबने भी दो टाइप की भी प्रॉब्लम या दो टाइप की साइकोलॉजी में आप फंसे होंगे फर्स्ट साइकोलॉजी क्या है मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन है और क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसे रहते हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर न टू थ्री फोर इस टाइप से ऑप्शन रहेंगे ये सब है ना और आपने देखा होगा आपके माइंड में नॉर्मली क्या होता है ना कि देखो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट करता है मतलब ऐसे आंसर सेट करता है कि फर्स्ट का ए आ गया तो सेकंड का ए नहीं आएगा बी सी डी में से आएगा ऐसा आपके लोगों के माइंड में रहता है या फिर ऐसे जब तक ऐसे पाथ मतलब ये रेल नहीं बनती ना जिग जैग पाथ नहीं बनता तब तक आपको लगता है कि ओ एम आर में कुछ गड़बड़ है पहली तो ये दूसरा क्या होता है कि ऐसा आ गया मान लीजिए फर्स्ट फोर क्वेश्चन का आंसर सीधा फोर है या फिर अगले फोर क्वेश्चन का आंसर सीधा वन है तो आपको ये लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ऐसा हमारे माइंड में आ जाता है एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इससे घबराना नहीं है क्यों देखो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको जो पेपर पी वन था ट्वेंटी नाइनटीन का उसके फर्स्ट थर्टीन क्वेश्चन में आंसर फोर नहीं था क्या बोला फर्स्ट थर्टीन क्वेश्चन का आंसर फोर नहीं था मतलब वहां पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर फोर नहीं था दूसरा यदि आप ट्रिपल डबल वन टू से लेके और डबल वन और वन थ्री एट

फिर यहाँ क्वेश्चन थर्टी फाइव से लेके वन फोर्टी थ्री तक ऑप्शन वन नहीं था तीसरा वो वाला साइकोलॉजी जहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं आंसर में ये है ट्वेंटी ट्वेंटी का ई सिक्स सेट इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर से लेके फोर्टी तक सभी क्वेश्चन का आंसर थ्री था तो ये जिनके ये बहम रहता ना कि जिग जैग पाथ है वो वाला क्या हो जाता है गड़बड़ इससे हम क्या करते हैं जैसे मान लीजिए कई बार हम ऐसा भी साइड कर लेते हैं कि वाले का ए है, तो नीचे वाले मारूंगा तो इसीलिए इसमें फोर्टी फोर से लेके फोर्टी सेवन तक सभी का आंसर थ्री था इसमें फिर ये देखो वन फोर्टी वन से लेके, 143 से लेके वन फोर्टी थ्री तक सबका आंसर थ्री था क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स से लेकर थर्टी नाइन तक सबका ऑप्शन वन आंसर था तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जिग जैक पाथ बनेगा या ऐसा भी कुछ नहीं है कि पहले दस क्वेश्चन में आंसर फोर आना ही आना है या थ्री आना ही आना है हो सकता है फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन में वो आंसर फोर ना दे तो आपको इससे घबराना नहीं है ये एग्जामिनर साइकोलॉजी पकड़ता है बच्चों की कि आधे बच्चे तो ऐसे ही घबरा देंगे मेरा फोर आंसर नहीं आ रहा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर तुक्का मारेंगे तो फोर मतलब हमेशा ही फोर मारेंगे या फिर ऐसे भी सेट इसलिए नहीं करता कुछ बच्चे बोलते हैं सारे आंसर ए भर दूंगा सारे आंसर बी भर दूंगा सारे सी भर दूंगा तो वो सब इसलिए समझ आ रही है ना मत ओ की साइकोलॉजी क्यों समझना जरूरी है नेक्स्ट है ऑप्शन एनालिसिस आपने सुना होगा ऐसे तुक्का मारने की वीडियो आप देखते रहते होंगे कोई बोलता है कि आंसर ए और डी नहीं आता कोई बोलता है कुछ साइकोलॉजी की बुक में ऐसा है एग्जामिनर ऑप्शन ए और डी सेट नहीं करते तो इसलिए मैंने इन इनोएमआर से ऑप्शन का एनालिसिस भी किया ताकि आपको बता पाऊं कि रियल में क्या है ये तो सब किताबी बातें हुई प्रैक्टिकल क्या है तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं 2020 का पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी में मैंने ई वन से लेके और ई सिक्स तक सेट का एनालिसिस किया तो मैं उसमें मुझे मिला कि ऑप्शन वन था वो फोर्टी सिक्स टाइम था क्या था ऑप्शन वन फोर्टी सिक्स टाइम ऑप्शन बी फोर्टी फाइव टाइम ऑप्शन सी फिफ्टी वन टाइम और ऑप्शन फोर थर्टी एट टाइम्स तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन फोर है वो सबसे कम टाइम आया मतलब फोर मतलब थर्टी एट टाइम्स ही आया और यदि आप देखें ई वन और ई सिक्स सब में 46, 46 मतलब सबका सिमिलर है कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे सेट में तो आंसर डी ज्यादा थे मेरे सेट में तो आंसर ए ज्यादा थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अब देखो ई वन में, में भी 46, 45, 51, 38 है थ्री में भी 46, 45, 51, 38 है सिक्स में भी 46, 45, 51, 38 है मतलब सभी सेट के आंसर सिमिलर थे तो ऐसा भी नहीं है अब चलो एक और देख लेते हैं आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा ट्वेंटीन का भी देख लेते हैं एक से कैसे मान लें ट्वेंटीन में देखते हैं ऑप्शन वन थर्टी थ्री से थर्टी टू टाइम्स करने में अदरवाइज देखो पांच सेट में आंसर क्या है टाइम्स है ऐसा ही ऑप्शन टू फिफ्टी टू टाइम्स है एक आधी मेरे से गलती हुआ काउंट करने में ऑप्शन थ्री में फिफ्टी टू टाइम्स है ऑप्शन फोर में फोर्टी थ्री से फोर्टी फोर टाइम मतलब वही है फोर्टी फोर या फोर्टी फाइव ये काउंटिंग में मिस्टेक है सब है ना तो यहां भी क्या है सभी ऑप्शन सभी सेट में आंसर ऑप्शन वन या ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर सब क्या है सिमिलर थे मतलब थर्टी टू टाइम्स था तो सब में थर्टी टू टाइम्स था ऑप्शन फोर यदि फोर्टी फोर टाइम्स था तो सब में फोर्टी फोर टाइम था ये हो गई मतलब ऑप्शन एनालिसिस अब देखोगे इन एनालिसिस का बेनिफिट क्या हुआ हमें देखा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ज्यादा टाइम तक आता है मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एग्जाम में ज्यादा मिलता है तो एग्जाम में जब हम तुक्का मारना चाहेंगे तो ए और डी में तुक्का थोड़ा सा कम मारेंगे इस एनालिसिस का यह बेनिफिट है अभी तो मैं और डिटेल में बताऊंगा तुक्का मारना बताऊँगा तो बस ओ एम आर साइकोलॉजी और ऑप्शन एनालिसिस से समझना है कि कैसे तुक्का थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं अब आगे फर्दर डिस्कस करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं तुक्के वाली कहानी फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे तुक्का कब नहीं मारना क्यों जब तक तुक्का कब नहीं हमें यह नहीं पता चलेगा तुक्का मारना या नहीं मारना तो बेस्ट मेथड कैसे बोल सकते हैं तो तुक्का मारने का देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा स्कोर स्कोर का मतलब यह है यदि आपका एम है जैसे नेट एग्जाम में हम अपना टारगेट सेट करते हैं किसी बच्चे का टारगेट है सिक्स और किसी बच्चे का टारगेट है सिक्स यदि आपने सोचा कि मेरा क्वेश्चन वन हो चुका है तो आपको तो वन ही सही करना है ना वन सिक्स सही हो गया तो आपका स्कोर आ जाएगा 600 और आप 165 कर ही चुके हो तो मैं ये कहता हूं तुक्का मत मारो क्यों क्योंकि एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो आप सिक्स हंड्रेड से नीचे चले जाओगे ऐसे ही सिक्स फिफ्टी है यदि आप क्वेश्चन वन सेवेंटी कर चुके हो तो यहां पे कितना बनता है सिक्स एट्टी स्कोर एक आध गलत या दो तीन गलत हो भी गया तो आपका स्कोर कहाँ आ जाएगा सिक्स फिफ्टी भी आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां भी मैं ये बोलता हूँ तुक्का मत मारो ये मतलब कहने का परपज ये है यदि आपका एम अचीव हो रहा है तो वहां पे तुक्का नहीं मारना चाहिए ठीक है ये स्कोर का मतलब हो गया सेकेंड पॉइंट है डोंट अंडरस्टैंड मतलब हमें समझ ही नहीं आया कुछ बच्चे क्या करते हैं अपना पेन ऐसे पकड़ते हैं एग्जाम में और ऐसे आंख बंद करेंगे जय माता दी जहां पेन गिरा सी पे गिरा तो सी आंसर बी पे गिरा तो बी आंसर तो ऐसा नहीं करना कुछ बच्चे करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बोम्बे वो और गिने गिनाए पूरे से जहां पेन टिका आंख बंद करके ए पे टिका तो ए को फिल कर दिया बी पे टिका तो बी फिल कर दिया ये भी नहीं करना जब तक हमें क्वेश्चन का थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में तुक्का हम नहीं मारेंगे ये हो गया डोंट अंडरस्टैंड अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुक्का मारने का बेस्ट मेथड देखो तुक्का तो तब मारेंगे ना जब हमें क्वेश्चन समझ आ जाएंगे नीट एग्जाम में नॉर्मली तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक आते हैं एमसी कौन से एम दूसरा मैच दी कॉलम और तीसरा स्टेटमेंट वाले इन दोनों की साइकोलॉजी हम अलग अलग तरीके से समझेंगे तभी तुक्का सही मार पाएंगे अच्छा एक पॉइंट और है कि तुक्का आपको कितने मारने हैं यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पांच में मारूं दस में मारूं मेरे अकॉर्डिंग यदि आप तुक्का मारने जा रहे हो कम से कम आप दस क्वेश्चन में तुक्का मार के हो जीरो मतलब दस क्वेश्चन में यदि तुक्का मारोगे और मेरे वाली टेक्निक से मारोगे दो क्वेश्चन तो हमेशा सही होंगे मतलब जीरो से कम कभी नहीं जाएगा ठीक है यदि आप तीन में तुक्का मारते हो ओ, तीन सही हो गए दसवीं मारते हो कितना हो गया भाई थ्री इंटू फोर ट्वेल्व माइनस सेवन कितना आ गया मतलब फाइव थाउजेंड रैंक से, तो से इंप्रूव हो जाना यदि फोर मार्क्स सही हो, फोर क्वेश्चन सही हो गया सिक्सटीन माइनस सिक्स टेन मार्क्स मतलब टेन थाउजेंड रैंक ऊपर चली जाएगी समझ आ रही बात कम से कम दस में तुक्का मारना है यदि मारने जा रहे हो तो और ट्रिक यही वाली करनी है और एटलीस्ट फाइव में तो मारना ही मारना जिनको लग रहा ना कि मेरे एम के आसपास हूँ लेकिन फिर भी तुक्का मारने का मन है तो पांच क्वेश्चन में तुक्का मारना यार इससे कम में मारोगे मान लीजिए दो में मारा और दोनों ही गलत हो गया कितना आ गया माइनस फाइव मेरी टेक्निक से यदि तुक्का मारोगे आप प्रोबेबिलिटी है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सही होनेगी सिक्सटी टू सेवेंटी का मतलब है दस क्वेश्चन में से छः का सही होना और छः इन चार करोगे कितना हो गया ट्वेंटी फोर माइनस कितना हुआ फोर कितने मार्क्स आ गए ट्वेंटी मार्क्स से इंप्रूव होने का मतलब क्या है समझ रहे हो कितनी रैंक ऊपर चली जाएगी इसलिए बोलता हूँ ये टेक्निक फॉलो करोगे सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आंसर सही आएगा लेकिन कम से कम तुक्का किस में मारना है दस में या पांच में अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि तुक्के मारने की टेक्निक क्या है देखो अब है नॉर्मल एमसी नॉर्मल एमसीक्यू में भी तीन टाइप के क्वेश्चन है आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में सभी ऑप्शन डिफरेंट दिखते हैं किसी किसी में देखा होगा दो या तीन ऑप्शन सिमिलर दिखते हैं और या फिर तीन ऑप्शन सिमिलर एक बिल्कुल ऑर्ड ऑप्शन तो इनके बेस पे हम तुक्का मारेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इन्हीं का मतलब समझाऊंगा आपको कैसे है देखो ये क्वेश्चन देखो आप इसके ऑप्शन को देखो आप अच्छा आया नहीं ना नीचे अभी एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं हाँ अब मेरे मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ बस कितने ऑप्शन है भाई चार ऑप्शन है ये सिक्सटी सेवन ये एट्टी ये थर्टी थ्री ये फिफ्टी क्या कोई रिलेशन है क्या सभी ऑप्शन क्या हो गए डिफरेंट हो गए तो जब भी चारों ऑप्शन डिफरेंट होंगे हमें तुक्का नहीं मारना क्या बोला जब भी चारों ऑप्शन डिफरेंट होंगे तुक्का अवॉइड करेंगे क्या करेंगे इसमें तुक्का अवॉइड करेंगे ठीक है नेक्स्ट इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या सिमिलरिटी है देखो चार ऑप्शन है फिर ये नीचे रह गया एक कर लेते हैं दोबारा हां यहां देखो अब फर्स्ट ऑप्शन थ्री वाई टू फर्स्ट ऑप्शन थ्री वाई टू सेकेंड फाइव वाई थ्री थर्ड ट्वेंटी सेवन वाई एट फोर्थ नाइन वाई फोर इसको यदि ध्यान से टू का क्या है क्यूब लिखा हुआ है और ये थ्री टू का स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब ऑप्शन टू हमारा ओड है मतलब ये सबसे अलग है तो इसमें कितने ऑप्शन सिमिलर हो गए तीन ऑप्शन सिमिलर है कितने ऑप्शन सिमिलर है तीन ऑप्शन सिमिलर है तो तीन ऑप्शन सिमिलर हो तब भी ऑप्शन मतलब अवॉइड करो फिजिक्स में किसमें अवॉइड करो फिजिक्स में केमिस्ट्री का बताऊंगा अलग से देखो यहां पे क्या करेंगे अवॉइड करना चाहिए तुक्का मारना हो सकता है क्या पता यही आंसर हो, हो सकता है यही अभी तीन की प्रोबेबिलिटी है तो यहां भी तुक्का नहीं मारेंगे तुक्का तब मारेंगे जब हमें दो ऑप्शन में सिमिलरिटी दिखेगी या फिर एक ओड ऑप्शन दिखेगा ओड ऑप्शन कहाँ केमिस्ट्री में फिजिक्स में नहीं ओर्ड ऑप्शन जब केमिस्ट्री में दिखेगा तब तुक्का मारेंगे और जब दो ऑप्शन सिमिलर दिखेंगे चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे वो केमिस्ट्री में हो बायो में ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन नहीं आते हैं तो वहाँ बायो में तो वैसे भी आप कर ही लेते हो मेन प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री की है तो यहां आप देखो आप कैसे मारेंगे तुक्का इस क्वेश्चन को बड़ो रिएक्शन बिटवीन बेंजलडी हाइड एंड ऑफ कुछ भी लिखा हुआ हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है यहाँ लिखा है क्रोस कैनिजारो रिएक्शन यहाँ लिखा है क्रोसल्डोल कंडेंसेशन यहाँ लिखा है

यदि देखो या तो ए बी ऑप्शन में डाउट होगा या सी में होगा या C, D में होगा ऐसे बनेंगे ऑप्शन या तो A, B में डाउट होगा या ए और C में डाउट होगा या A और इसको ध्यान से समझना यही है ट्रिक या A और डी में डाउट होगा फिर या बी और सी में डाउट होगा या फिर बी और डी में डाउट होगा या फिर सी या डी में इसके अलावा आपके डाउट नहीं बनेंगे ये बस ये छह टाइप के डाउट बनते हैं ठीक है

बी बी में डाउट है बी सी बी डी में डाउट है तो किसको चूज करेंगे बी को और सी डी में डाउट है तो किसको चूज करेंगे सी को अब देखो यहां इस क्वेश्चन में कहा डाउट आया ए और बी में तुक्का कहां मार देंगे भाई बी को इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या था बी था ये ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर था ठीक है तो इस टाइप से तुक्का मारना है बस ये क्वेश्चन देखो अब एक होता है हमें कॉमन क्वेश्चन फाइंड मतलब कॉमन आंसर फाइंड आउट करना है क्या करना है कॉमन कॉमन कैसे जैसे ये क्वेश्चन है इसमें क्यू लेस देन जीरो इसमें क्यू ग्रेटर इसमें क्यू दोनों ही क्या हो गए जीरो हो गए तो या तो गए या हमेशा जीरो होगा सही बात है यहाँ ये दोनों तो नहीं होंगे क्यों बिल्कुल अलग अलग दिया दो ऑप्शन में तो यही कंफ्यूजन है ना यहाँ क्या दिया डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब मोस्ट कॉमन कहा है जहां पे देखो यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है ये दोनों तो अलग अलग हो गया ना फिर डब्लूजिकल टू जीरो जीरो नहीं करेंगे जैसे मैंने क्यू को सिलेक्ट किया था तो ज्यादा कमोनिलिटी कहां आ रही है ये दोनों ऑप्शन देखो टी इजिकल टू जीरोक्ल टू जीरो वो कहाँ आएगा टी इज टू जीरो डब्ल्यूजिकल जीरो कहां आ रहा है वन और मतलब ए और सी में तो चूज किसको करेंगे ए और सी में बताओ भाई इसको चूज करना है सी को आंसर क्या हो जाएगा आंसर हमारा तुक्का में यही था कॉमन समझे ना डेल्टा टाइजिकल टू जीरो डब्लू इजिकल टू जीरो डेल्टा इजिकल टू जीरो ड्लूकू जो दो कॉमन थे तो डाउट हमारा यही बनता है और यही बनता है तो हमारा आंसर सी बनता है क्यों ए और सी में किसको चूज करना है सी को ये ऑप्शन देखो ये क्वेश्चन अच्छा है अब मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन दिया है हमें बस ऑप्शन पता है ऑप्शन में देखो ये थ्री डिग्री ये वन डिग्री अमाइन ये कैसा अमाइन भाई ये टू डिग्री ये टू डिग्री अब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन दिया है या तो टू डिग्री एक जैसा काम करेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट पूछ रहा है या तो ये दोनों ही दे देंगे या दोनों ही नहीं देंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दो आंसर हो नहीं सकते तो ना तो बी होगा और ना ही डी आंसर होगा डाउट किस में आ गया ए और सी में किसको तुक्का मार देंगे सी को आंसर भी इस क्वेश्चन का क्या है सी प्राइमरी अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं तो कर लोगे ना इस टाइप से तुक्का मारोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी ये नहीं बोल रहा हमेशा सही होगी गलत भी हो सकता है लेकिन

क्यों अलग आ गया सिमिलरिटी कहाँ है डी स्क्र की ज्यादा है अब किस में डाउट आ गया ए और डी में ए और डी में डाउट आता है किसको चूज करते हैं पीछे वाले को आंसर भी क्या था इस क्वेश्चन का फोर है कर लोगे ना इस टाइप से हो गया नेक्स्ट भाई ये वाला फिजिक्स का क्वेश्चन देखो एक ऑप्शन देखो सिमिलर इसमें है सिक्स पॉइंट जीरो इसमें है वन पॉइंट एट थ्री ये है सेवन पॉइंट थ्री टू थ्री टू और ये है थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स ये जो कॉमन आंसर वाला है ना ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा चलता है

विच ऑफ ये वुड्स रिएक्शन आ गई हाँ ये ओड ऑप्शन वाला है ऑर्गेनिक में ओड ऑप्शन फाइंड आउट करना सीख गए तो आंसर कई क्वेश्चन का आ जाएगा इसने बोला कौन सा वुड्स रिएक्शन से अच्छी गुड इल्ड में, में नहीं बनता तो क्या करो स्ट्रक्चर बना लो अब आप बोल रहे हो सर तुक्का मारने सिखाए थे अब स्ट्रक्चर बनवाने लग गए बना के तो देखो मरवाऊंगा तो तुक्का ही ऐसे ऑप्शन बनाएंगे और ये डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया अब इनमें सिमिलरिटी देखो सभी क्वेश्चन में ये क्या है भाई चार कार्बन है ये क्या है कार्बन है और ये भी छह कार्बन है यहां से देखा सिमिट्री यहां से देखा सिमिट्री यहां से देखा कंपाउंड सिमिट्रिकल है मतलब ए ये बी सी डी क्या है सिमिट्रिकल ऑप्शन है लेकिन इसमें कितने कार्बन सात कार्बन तो ये क्या है अनसिमिट्रिकल या तो वुड्स रिएक्शन से सिमिट्रिकल बनते होंगे या अनसिमिट्रिकल बनते होंगे या तो ये तीनों ही आंसर आते या फिर ये एक आंसर आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक ही आंसर आना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वन जिसको सिलेक्शन की हवा भी नहीं पता थी उसने भी आंसर वन कर दिया होगा जिसने ये मारने की टेक्निक पहले से आती होगी नेक्स्ट ऑप्शन देखो बोल रहा कौन सा नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा अब ये फर्स्ट वाला देखो NO2 कैसे कार्बन से जुड़ा वन डिग्री कार्बन से ये कितने से जुड़ा है वन डिग्री कार्बन से ये कितने से जुड़ा है थ्री डिग्री कार्बन से और फोर भी कितने से जुड़ा है वन डिग्री कार्बन से सारे देखो तीन तो जुड़े हैं वन डिग्री कार्बन से और एक जुड़ा थ्री डिग्री से या तो आंसर ये वाला होगा या फिर ये तीनों रिएक्शन देते होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वन डिग्री देते दूसरा वन डिग्री ना दे ऐसा ही होगा ना भाई ऑर्गेनिक की रिएक्शन में क्या होता है या तो सारे देते हैं या एक भी नहीं देता तो यहां तीनों वन डिग्री वाले या तो ये तीनों देते या फिर बीच वाला देगा हमें पता है मल्टीपल चॉइस है एक आंसर सही होना आंसर क्या मारेंगे तुक्का सी को मार देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या था सी ही आंसर था ठीक है नेक्स्ट अब आगे मैच द कोलम की बारी कॉलम में भी हमें कंफ्यूजन आते हैं बहुत लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं एक भी ऑप्शन पता चल जाता तो आंसर आ जाता लेकिन फिर भी डाउट आ रहा तो मैं बता देता हूं कभी भी आंसर वन टू थ्री ऐसा कुछ लिखा ना वन टू थ्री फोर ये वाला देखो ऐसे रोमन में लिखे रहते हैं वन टू थ्री फोर या फिर ऐसा लिखा फोर थ्री टू वन ऐसा लिखा तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा कंटिन्यूस लाइन में लिखा फोर थ्री टू वन बहुत रेयर चांस है कि आंसर होगा दस परसेंट चांस है क्या है दस परसेंट है कि आंसर होगा दूसरा क्या करना है ऐसे लिखा होता है ना ए बी सी डी 2 के नीचे यदि 2 लिखा है सी के नीचे यदि 3 लिखा है डी के नीचे 4 और ए के नीचे 1 ऐसा भी आंसर सही नहीं होगा ऐसा भी लिख सकता है ए के नीचे 3 लेकिन बी के नीचे 2 सी के नीचे 4 और डी के नीचे 1 इसमें आंसर देखो बी के नीचे 2 लिख दिया मतलब यह आंसर होने के चांस कम है दो ही टेक्निक लगानी है 1 2 3 4 और 4 3 2 1 ही होगा और बी के नीचे टू सी के नीचे थ्री डी के नीचे फोर वो भी ऑप्शन हमारा नहीं आंसर होगा देखो ऐसी टेक्निक लगाने से एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और उसके बाद जिस बच्चे ने बारह महीने पढ़ा होगा उसको याद आ ही जाएगा मेरा काम ये है आपको ऑप्शन एलिमिनेट कराना आंसर तक पहुँचना आपका काम है देखो आपको तो थोड़ा बहुत आती होगी ना बायो मुझे नहीं आती लेकिन मैं वही टेक्निक लगाऊंगा थ्री टू वन फोर, फोर वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन वाला तो नहीं है लेकिन बी के नीचे टू लिखा है मतलब आंसर नहीं आएगा इसमें देखो थ्री फोर टू वन ये आंसर में आ सकता है ऑप्शन में टू फोर थ्री वन यहां पे क्या हो गई गड़बड़ सी के नीचे थ्री लिख दिया और आंसर नहीं बनेगा और देखो थ्री टू फोर वन इस क्वेश्चन में क्या होगा वो भी इसमें सिमिलरिटी वैसे तो देखो फोर वाले में बी के नीचे टू लिखा कट गया आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा आ गया आंसर इस क्वेश्चन का आंसर टू ही है इस टाइप से तुक्का मारेंगे ये क्वेश्चन देखो ये भी मुझे नहीं आता बायो का क्वेश्चन केमिस्ट्री का मास्टर और बायो पढ़ा रहा है इसमें देखो वन थ्री टू फोर थ्री वन टू फोर देखो दो में फोर आ गया डी के नीचे दोनों ही आंसर नहीं हो सकते इसमें देखो three, one, four, two. Three, four, one, two. बताओ भाई कुछ हो रही है क्या गड़बड़ एलिमिनेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो तुक्का मारना है सी और डी में से किसको चूज करेंगे सी को आंसर भी क्या है सी ही हमारा आंसर है आंसर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा और ध्यान रखना फर्स्ट का आंसर क्या होगा थ्री या फोर में से होगा नॉर्मल मैक्सिमम टाइप टू और वन होने के बहुत कम चांस है एग्जामिनर क्या करता है ऐसे एबीसीडी लिखा रहेगा ना वन टू थ्री फोर ए को थ्री और फोर से मिलाने की कोशिश करता है B को थ्री और फोर से मिलाने की कोशिश करता है और सी और डी को इधर मिलाने की कोशिश करता है तो जहां पर वन में ऑप्शन थ्री और फोर है ना जैसे इसमें देखो यहाँ पे वन में क्या दिया है थ्री दिया है थ्री दिया है थ्री दिया है तो चांसेस थे कि इनमें से आंसर आने के लेकिन इनमें से सही कौन सा आएगा वो आपको देखना है कैसे तुक्का मार के ठीक है जैसे मैंने बताया फिर देखो एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना अपने आप ही समझ आओगे कि आंसर क्या आने वाला है इतना जरूरत भी नहीं पड़ेगी जितना बता रहा हूं बस ये तो मैं एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं आपको यहां देखो बी का ऑप्शन क्या देखो ये मेरे प्रैक्टिकल मेथड है मैंने ऑब्जर्वेशन से किया ऐसा नहीं है कि कहीं बुक में लिखे हुए थे और हो सकता है कभी गलत भी हो जाए लेकिन 60 टू 70 परसेंट सही चलेगा और 60 टू 70 परसेंट तुक्का सही हो जाता है ना तो हमेशा ही 10 क्वेश्चन के तुक्का मारने से 20 मार्क्स या 15 मार्क्स आ जाएंगे और पंद्रह मार्क्स का इंपॉर्टेंस नीट एग्जाम में आप समझ रहे हो ये नहीं होगा इसमें देखो सी के नीचे थ्री लिख दिया डी के नीचे फोर ये भी नहीं होगा या देखो डी के नीचे फोर लिख दिया ये भी नहीं होगा आंसर इस क्वेश्चन का क्या है डी और डी ही इस क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट मुझे नहीं पता बायो के क्वेश्चन है ये मुझे नहीं आती बायो लेकिन मुझे आंसर निकालने आते हैं इसमें देखो बी के नीचे टू लिख दिया नहीं हो सकता आंसर देखो सी के नीचे थ्री लिख दिया नहीं हो सकता यहाँ देखो थ्री फोर वन टू बिल्कुल सही लिखा हुआ है आंसर सी और डी में से आना चाहिए सी लिखा है देखो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फोर थ्री टू वन क्या है ये आंसर नहीं हो सकता हम क्या मार के आएंगे सी लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर क्या था डी था तो कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा होगा मैंने पहले ही बोला है वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन इसके आंसर आने के चांसेस कितने हैं टेन परसेंट तो ये आंसर हमारा गलत हो जाता है यदि हम सी मार के आते इसका आंसर क्या था डी तो ये आपको एक मैं पहले ही बता रहा हूँ कभी कभी गलत होंगे भी तो इस टाइप से हमने देख लिया स्टेटमेंट वाले चार पांच क्वेश्चन आते हैं उसका बताने की जरूरत नहीं है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जो तुक्का मारने की टेक्निक है यदि आपकी खुद की है

तो एनालिसिस आपको पता होना चाहिए यार मेरे तुक्के सही जाते भी है या नहीं जाते तुक्के गलत जाएंगे तो फिर मारने का फायदा नहीं है मतलब आपको तो तुक्का मारने का मेथड आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हो समझ आ गई बात तो इस टेक्निक से तुक्का मार के आओगे नीट एग्जाम में माला माल हो जाओगे लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा और इस तुक्का मारने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है यदि आपको तुक्का मारना है तो इसको फॉलो करिए और कुछ गलतियाँ होती हैं कभी कभी हमसे कैसे तुक्का नहीं मारना चाहिए हो सकता है मैं वो वीडियो भी बना दूँ एक कि तुक्के मारते टाइम ये गलतियाँ ना करें वो बहुत कॉमन मिस्टेक है ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और बच्चों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बीवाईच क्लासेज पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन कराया जा चुका है कराया जा रहा है जो इलेवन थर्टी पर लाइव क्लास करते हैं इनऑर्गेनिक का क्लास हुआ था फोर्थ सेप्टेंबर को फिजिकल का क्लास होगा सिक्स सेप्टेंबर को और ऑर्गेनिक का क्लास होगा सेवन सेप्टेम्बर को तो आप विवाज क्लासिक के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लें थैंक यू वेरी मच